अस्सलाम वालेकुम। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की। पहले इतने काले सियाह बादल थे, मुझे लगा सुबह हो ही नहीं। हाँ, चले गए चांद की तरफ गए। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। हल्की हल्की बारिश हुई है, बिल्कुल हल्की फवार टाइप। वेड़ा भी सही तरह गिल्ला नहीं होया। तो बस आहो, मैं लैके आवांगी अज। आप जी नाश्ता करने हैं बैठ के। और सुबह का क्या टाइम है जी, बजे हुए हैं 6:15, 6:15 का टाइम है। और हम सहन में बैठे हुए हैं, अभी देखें धूप नहीं आई, सूरज जड़ा भी सही तरह नहीं तलू हुआ। बस आ जाएगी धुप थोड़ी देर तक। कौन बकरी? मैं बकरी इस तरह जी ब्रेड लेके आई है। अल्लाह के आसर आते पानी वाली बोतल फ्रिज रख, ठंडियाँ कोई नहीं। हाय हाय, सना ठंडी पानी वाली बोतल नहीं मिली। चल किचन में रखो, मैं अबू जी का अब अंडा ब्रेड बनाऊँ। दही उन्होंने खा लिया है, अब अंडा ब्रेड बनेगा इंशाल्लाह जी। तो देखो जी बोतल पानी वाली लेके जाती पी जी किचन च, किचन की सफाई भी हो रही है। आज सुबह का नाश्ता हो चुका है तैयार, ये मैं लेके जाऊंगी अबू जी के पास। अबू जी वो बाहर बैठे हैं, सना रस्सा कूदने लगी है। वेखो जरा, बस सही है, सही काम लगी। शुगर चेक की थी अबू जी की, सुबह ये देखें मशीन नज़र आ गई होगी। तो माशाल्लाह जी अंडर कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो फाड़ लो। और सना कहती है बाजी जी आप डॉक्टर हैं? मैं क्या, आहो जी मैं डॉक्टर हाँ, मैं शुगर चेक कर ली, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, बुखार चेक कर लिया, अल्लाह माफ़ कर। तो बस तो फार अल्लाह जी, हाँ वैसे तो हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे अल्लाह। सेहत तंदरुस्ती वाली जो है अल्लाह, जितनी ज़िंदगी है सेहत तंदरुस्ती वाली हो। और अल्लाह तआला हर किस्म की मोहताजी से जो है अल्लाह हम सबको महफूज रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मेरी किचन। और हम इस वक्त मौजूद हैं जी किचन में। मैंने कहा मैं फटाफट जो है बच्चों का नाश्ता बनाऊं, तो पहले मैं बनाऊंगी जी इन्ना दे फटाफट करा के गर्म ब्रेड गर्म करूंगी। इनके ऊपर ये देखें ऐसे लगा लगा के जो है, ये आपको नज़र आएगा ऐसे फटाफट जो है इनको मैंने कर देना है गर्म। चार चार टोस्ट लगा के हल्की आँच पर। और इसके बाद मैं बनाऊंगी जी ऑमलेट। मैंने कहा पहले ब्रेड गरम कर लें और ऑमलेट जो है बाद में बनेगा, क्योंकि फिर वो तवा जो है वो गंदा हो जाता है जी। गंदा नहीं होता मीन के वो मिर्च मसाले लग जाते हैं। तो मैं इनको ब्रेड को बना लूँ पहले, फिर हम आपको ऑमलेट बने जी। ऑमलेट में मैंने प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया नहीं था तो नहीं ऐड किया। तो बस उसी के साथ जो है थोड़ा जूम आउट करें ऐसे, और फटाफट जो है हम नाश्ता जो है बच्चों को बना के दें, बच्चे खाएं। तो बच्चे जो है फिर आज गर्मी में कहते हैं जी शरीर पड़नी है, सुबह काले बादल आए हैं। मैं क्या बसंगे वो तो बस आगे ही निकल गए, स्पीडो स्पीड जी आगे निकल गए। तो ये देखिए बस हल्का हल्का हमने इनको करना है, ज़्यादा नहीं। तो जब इस सारे से चेंज हो जाए तो उतारते जाएं और प्लेट में जो है इनको रखते जाएं। ये देखो ब्रेड। और अब हम जो है अंडा अंडा फ्राई करेंगे। अंडा अंडा फ्राई नहीं, ऑमलेट। क्या हो गया है? और अंडे वाले बर्तन जी जो है हमेशा ठंडे पानी से धोया करें, जिसमें आप अंडा बनाते हैं ना, नहीं तो ताड़े गिलासों के बीच जो जो बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे उसका भी में से अंडे की जो है स्मेल आएगी। तो अंडा जब हम बनाते हैं, अंडे वाले बर्तन को हमेशा एंड पे धोया करें ठंडे पानी के साथ, और साइड पे रखा करें दूसरे बर्तनों के साथ, उनको जो है मिक्स ना किया करें। ये मेरी बात पहले यहाँ पर। ये एक जी है क्योंकि अंडों की जो स्मेल आती है गिलासों में, खासकर पानी वाले गिलासों बहुत ही बुरी लगती है। तो जब हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, अंडा फ्राई करते हैं, जिस प्लेट में अंडा डालना है या जिस कोली में कटोरी में आपने ऑमलेट की जो है जी तैयारी की है ना, तो वो एंड पे धोया करें, ठीक हो गया। तो चले जी हम बनाते हैं ऑमलेट, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ऑमलेट जी माशाल्लाह से हो चुका है तैयार। धनिया नहीं था, धनिया डाल दूंगी जी।
ਅੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਾਕੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਐੱਗ ਤਿਆਰ ਇਹ ਐਸੇ ਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਬ ਚਿਕਨ ਸਪਰੈਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਓਮਲੇਟ ਸਾਈਡ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਜੀ ਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜੈਕਟ ਸੇਮ ਵੇ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਜਿਸੇ ਆਪ ਖਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਨੋਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਪੈਟਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਯਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮ ਬੜੇ ਥੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸੇ ਲਿਖ ਬੈਠੀ ਸਿਆਹੀ ਸੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਸੇ ਮਰ ਬੈਠੀ ਜੁਦਾਈ ਸੇ ਵਾਹ 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 ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸੇ ਲਿਖ ਬੈਠੀ ਸਿਆਹੀ ਸੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਸੇ ਮਰ ਬੈਠੀ ਜੁਦਾਈ ਸੇ ਵਾਹ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਮਾਕੇ ਔਰ ਕੌਣ ਸਾ ਸ਼ੇਰ ਆਤਾ ਹੈ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚਾਂਦ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਿਤਾਰੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚਾਂਦ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਿਤਾਰੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਏਕ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹ 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 ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਜੋ ਇੱਧਰ ਸੁਣਾਇਆ ਥਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਥਾ ਸ਼ੇਰ ਅਬ ਸੂਰਜ ਕੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਆਪਣੀ ਆਗ ਵੋ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਮੁਝਸੇ ਬਾਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਨਜ਼ਰੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਰੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦਮ ਖਾਮੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੇ ਜੀ ਇਸਕੀ ਹੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸ਼ੇਰ ਆਤੇ ਹੈ ਪੰਜ ਛੇ ਸ਼ੇਰ ਆਤੇ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਥਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਨੇ ਕਹਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਹਤਾ ਬੂੰਦਾ ਬਾਂਦੀ ਕਿਆ ਥਾ ਪਾਗਲ ਹੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲ ਹੂੰ ਪਾਗਲ ਹੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲ ਹੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਗਲ ਹੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲ ਹੂੰ ਛੀਨ ਤੋ ਲੇਤਾ ਤੁਝੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਮੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਮੀ ਔਰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪਤਾ ਹੈ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਪਾਗਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਠ ਗਈ ਦੋ ਪੱਥਰ ਮਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੱਥਰ ਮਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਸੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਔਰ ਇੱਧਰ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਨੂਡਲਸ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਲੰਚ ਮੈਂ ਨੂਡਲਸ ਖਾਣੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਬੂ ਕੇ ਲੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੀ ਜੋ ਹੈ ਐਂਡ ਸਨਾ ਜੋ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹਮ ਖਾਏਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨੂਡਲਸ ਖਾਏਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਮ ਕਿਚਨ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਨੂਡਲਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਏ ਔਰ ਮੌਸਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸੇ ਵੀ ਔਰ ਮੌਸਮ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਰਹਾ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਦੂਕੋਸ਼ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਯਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂਡਲਸ ਖਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਨੂਡਲਸ ਖਾਏਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲਨ ਖਾਏਂਗੇ ਯਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਆਪ ਖਾਏਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇਖੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਖਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਪੰਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਮੁੰਨਾ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਆ ਜਾਓ ਖਾਟ ਪਾਟ ਰੁਕੋ ਇੱਧਰ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਬੁੱਝ ਗਈ ਮੈਂ ਟਰੇ ਰੈਡੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਲੀ ਲੰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਹਮ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵੀਂ ਛੁਰੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਮਚ ਆਈਏ ਥਾ ਜਬ ਫਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਾਸਤਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰੇਂਗੇ ਜੀ ਖੁਦ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਚਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਇਹ ਕਲੋਥ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੂੰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿਚਨ ਕੇ ਕਲੋਥ ਜਿਸੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲਫੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਡਰਾਈ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਇਹ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸੂਟ ਕੀ ਹੈ ਸੂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸਰਫ ਦਾ ਪੈਕਟ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਹਿਰੀਮਾ ਕਿਚਨ ਔਰ ਆਜ ਜੀ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਕਿਚਨ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਚਿਕਨ ਅਰਬੀ ਚਿਕਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋ ਹਮਨੇ ਲਿਆ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋ ਧੋ ਕੇ ਡਾਲ ਦਿਆ ਅਬ 1.5 ਟੀਸਪੂਨ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਰਚ ਡਾਲੇਂਗੇ ਐਂਡ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਡਾਲੇਂਗੇ ਕੁਟਾ ਹੁਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੀਰਾ
नमक डालेंगे हम टेस्ट के मुताबिक, 1.5 टीस्पून डालेंगे क्योंकि इसमें शोरबा होगा अरबी का, तो उस हिसाब से। और हल्दी पाउडर लेंगे अब हम, हल्दी जी 1 टीस्पून हल्दी बेहतरीन है सेहत। हाँ ख़राब हो गई अरबी, ऐ ख़राब है वाली। चिली पाउडर हमें नहीं डालना जी, मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून जो है कुटी हुई ऐ वाली लाल मिर्च का, वो जो हमें जिसका टेस्ट अरबी का अच्छा आएगा। इसमें अब मैं ऐड करूँगी, मैं ढक्कन तो नहीं बंद हो गया, सारा कुछ दौड़ती केरी लगी बैठी थी। हरी मिर्चें जी ऐसे हमने काट लेनी है, और प्याज डालूंगी 2 लार्ज प्याज या 3 मीडियम, 3 मीडियम टमाटर इसके अंदर हमने ऐड करने हैं। टमाटर जी हमने ये देखें काट लिए हैं, मैं प्याज इसके अंदर ऐड करूंगी। आप जी हमने इसमें ये देखें मोटे मोटे प्याज काट के ऐड कर देने हैं। भाई पाकिस्तान के प्याज बड़े कौड़े ने, इंग्लैंड चुरे उन्होंने बेचारा ठंड इन्नी होंगी है, वो नहीं इतने चुभते हैं आँखों को पर इतने नहीं, पर ऐ वाले जड़े ने ऐ तो सही धड़ा रौनक डवाते जे। प्याज को ऐसे मोटा मोटा काट के हमने, अब मैं पानी ऐड करूँगी इसको, अब हम वेट लगाएंगे। पानी ऐड करेंगे जी 1 कप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ देखो तेन लवेंगे हम असी प्रेशर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी ऑयल, और इसको लगा देना है हमने वेट। प्रेशर लगाएंगे और आपको मिलेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। तो जी गोश्त को लग चुका था वेट, और यहाँ हम बनाने जा रहे हैं तड़के वाले चावल। हमने ऑयल लिया, ऑयल में ज़ीरा डाला, ज़ीरे को हल्का सा हमने भून के उसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को जी हमने कर लेना है हल्का गोल्डन ब्राउन। इसके साथ हमने डाल देनी है जी 1.5 टीस्पून जिंजर, 1.5 टीस्पून गार्लिक की पेस्ट, फटाफट झटा पट वाला जी। साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे क्योंकि तड़के वाले चावल बन रहे हैं, और साथ ही हमने जिस इनके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देनी है। मैंने गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्च एंड नमक बस ऐड किया था। ये 3 इंग्रेडिएंट्स थे जी जो है खुश्क मसाले वो वाले। तो जी टमाटरों को और हरी मिर्चों को इनको अच्छी तरह से हमने पका लेना है, और पानी डाल देना है, और फिर साथ ही जो है इसको हम 5-6 मिनट जी उबाल लेंगे अच्छे तरीके से। एंड इसके बाद हमने कर देने हैं जी इनके अंदर ऐड चावल। तो चले मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हमने अब चावल ऐड कर दिए हैं, इसको हम ज़रा ऐसे तेज़ आंच पे 2-3 उबाले देंगे, और उसके बाद हम इसको जो है ढक्कन देके पकाएंगे। मैं ढक्कन दूंगी जी, और ढक्कन देके हमने इसको ऐसे पकने देना है तकरीबन 5-6 मिनट। यहाँ पे हमने जी कर ली है गोश्त की देखें अच्छे तरीके से भुनाई। अभी अरबी हमने काटी तो क्या हुआ, अरबी जी नीम चो खराब निकले आई, तो मैं अपने आलू भी मैंने थोड़े से डाल दिए, अरबी आलू बन गए हैं जी। अरबी पकने जा रही थी पर अरबी आलू हो गए हैं, तो सिर्फ 2 ही आलू हमने ऐड किए हैं। अब इनको मैं 3-4 मिनट ऐसे इनकी भुनाई करूँगी, फिर इसके अंदर हमने पानी ऐड करके इसको जी हमने वेट लगा देना है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए इंशाल्लाह। ये हो गया जी, भून लिया गया है, पानी ऐड करेंगे अब हम जितना शोरबा रिक्वायर है, क्योंकि अब इसको मज़ीद वेट लगेगा। लो जी अरबी गोश्त बन रहा है जी, तो घुमाते फिराते हैं, अब वेट लगाते हैं, मिलेंगे आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे जी बन रहा है सैलड, देखें 2 बंदे हलीमा एंड सना मिलके सैलड बना रही हैं, प्याज कटा खीरा और ये खलारा, खलारे के बाद ये जी डिब्बा। तो जैसे बनेगा पूरा तो आपको सलाद दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं किचन जो बाहर जावा क्योंकि मेरा तो गर्मी से जी इस वक्त हालत टाइट हुई पड़ी है, शदीद गर्मी। किचन में मेरा नेक फैन जो था उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, अब मैं जाके इधर बैठूंगी, अबू इधर बैठे हुए हैं, ये देखिए जी। हाँ जी जी बड़ी गर्मी जी, बड़ी गर्मी किचन जी। शानदार किस्म का अरबी गोश्त तैयार है, अब हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया एंड इसको हम सारा डाल दो, सारा धनिया डालो। हाँ धनिया हंडिया का जेवर है, जीनत है,
उसका सिंगार है, उसका मेकअप है जो धनिया है हंडिया, जो हम करते हैं, जो हम करते हैं उसका मेकअप कर रहे हैं, हंडिया का मेकअप हो रहा है। ये देखो कितना जबरदस्त लग रहा है, देखा तड़के वाले चावल जबरदस्त, देखे जी माशाल्लाह, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, एंड दुआएं हैं जी पकाने वाले के नाम जिसने पकाया है माशाल्लाह से। ये देखो जबरदस्त हमारा तड़के वाले जी चावल, ये देखो सादा तड़के वाले चावल देखे कितने जबरदस्त बने हैं। हाँ तड़के, इसको कहते तड़के वाले चावल, सना कहती बाजी मैं पहली बार सुना तड़के वाले चावल, ना कभी पकाए, मैं कहा चावल फिर अज पकानी हाँ तेनों ये खवानी हाँ तो वखानी हाँ। तो ये रहे जी हमारे तड़के वाले जबरदस्त चावल, रेडी टू ईट विद अरबी गोश्त। जी मैंने सना की प्लेट बना कर रखी है, मैं अपनी प्लेट बनाऊंगी, सना ने सैलड जितना सना खाना है फूड डाल देना, ठीक है। ये रहा जी मैंगो सैलड, और अब हम ये आहो तुम मैंगो सैलड का पता नहीं की कर छड़े, बस हीना ने सिखाया, इसमें मैंगो भी काटा गया, इसमें इन्होंने मैंगो का जी गुद्दा भी निकाल के डाला है, आहो गुद्दा ही होता है। ये रहा सैलड, अब मैं जो है इसको डालती हूँ जी अपनी देखो प्लेट में साइड पर, तो ऐ बन गया ज़बरदस्त, ये लें जी तैयार है, सब बैठ के खा रहे हैं जी। ये देखिए अब्बू जी भी, ये अब्बू जी, ये मैं, जोनी, बाकी ये पार्टी आ रही है, और अब हम खाना खाएंगे। काम चेक करो इन्हों दे जरा, है वेखिए ये कम चेक करिए, माफ करे है जिन भूत, जिन भूत लगन नहीं है जिन भूत। और अब जी हम लगे हैं सोने, और इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे टुमारो मॉर्निंग। दुआओं में याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अमी हलीमा किचन। मिलेंगे आपको अगेन, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।